नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं हमारी आज की विशेष खबर पर। मुमरा रेलवे स्टेशन पे एक अज्ञात बैग में से प्राप्त किया गया सोना। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों अनुसार ऐसा बताया जा रहा है, लगभग कल 1:30 बजे के वक्त मुमरा रेलवे पुलिस स्टाफ ASI गोपी पांडे और कांस्टेबल RD चौहान जब वहाँ पर गश्त लगा रहे थे, प्लेटफॉर्म की पेट्रोलिंग चालू थी, तो उन्हें एक लावारिस बैग मिला। जब लोगों से पूछताछ की गई तो किसी ने भी बताया नहीं कि वो बैग किसका है। इतने में एक महिला रेशमा नामक थी, जिन्होंने कहा कि ये बैग को मैं जानती हूँ। बोले मेरे साथ में एक महिला सिलफाटा से बैठी थी, जिन्होंने ये बैग ऑटो में भूल गए। फिर इस मामले की जानकारी पूरी PSI AK यादव को दी गई, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की छानबीन करना शुरू की। उस औरत का कॉन्टैक्ट और इंक्वायरी करने में लग गए। तभी उन्हें पता चला कि सिलफाटा पर एक शख्स जिनका नाम जनार्दन है, वो बैग की खोजबीन कर रहा है। फौरन बिना लापरवाही किए हुए PSI यादव ने जनार्दन और उनकी पत्नी को मुमरा रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन में बुलाया और उसके बाद में उनसे पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि हाँ ये सब जो इंक्वायरी है सही बता रहे हैं, बैग के अंदर जो चीज़ें थी उन चीज़ों को लेकर के पूछताछ की और फिर उन्हें वो बैग लौटा दिया गया। देखिए दोस्तों, हमारे मुमरा की पुलिस कैसे लोगों का भरोसा जीतती है और कैसे ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभाती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।